समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के काफी समय से बीमार होने के चलते मेदांता हॉस्पिटल में अचानक निधन हो जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद झांसी में पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के आवास पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया कि आज झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा था, लेकिन दुखद खबर मिलने के बाद अब हम सभी कार्यकर्ता सफाई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं ताकि नेताजी के साथ कुछ वक्त और बिता सके। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब, कमजोर, दलित, शोषित, किसान, मजदूर, नौजवान लोगों का नेतृत्व करते थे। आज ये बहुसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से उनको खोकर असहाय हो गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के रक्षा मंत्री रहे हों, नेता विरोधी दल के रूप में रहे हों, संसद में, विधानसभा में रहे हों, उन्होंने हमेशा लोकसभा, विधानसभा से लेकर के सड़क तक इस वर्ग की लड़ाई लड़ने, संघर्ष करके उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा रहे हैं और उन्होंने हमेशा लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। कोई विपक्ष में रहा हो, माननीय मुलायम सिंह यादव तक अगर अपनी अपील पहुंचाई है तो उन्होंने विपक्ष के लोगों की भी मदद करके उन्हें न्याय दिलाने का भरसक प्रयास किया है। और आज पूरा देश, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग माननीय मुलायम सिंह यादव के ना रहने से बुरी तरीके से दुखी हैं, व्यथित हैं। हम सब लोगों ने अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना संरक्षक खो दिया है। मैं समझता हूं उनकी कमी आने वाले दिनों में पूरी होना बड़ा असंभव है। नेताजी का बुंदेलखंड से झांसी से अलग लगाव था, वो साथ जाते थे। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पिछड़े हुए इलाके के लिए वहाँ विकास के कार्य हों, लोग रोजगार से जुड़ें, किसानों को मदद मिले, हमेशा मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विशेष सुविधाएं देने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने ही बुंदेलखंड विकास निधि की स्थापना की थी, जो आज सैकड़ों करोड़ में सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये पीड़ा, मन में पीड़ा माननीय मुलायम सिंह यादव के मन में थी, इसलिए उन्होंने इस पिछड़े हुए इलाके को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा हमेशा आशीर्वाद प्रदान किया। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, पूरा समाजवादी परिवार, उनका परिवार तो दुखी है ही। मैं समझता हूँ इस देश का पूरा समाजवादी परिवार बुरी तरीके से व्यथित है, दुखी है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा संकट हम लोगों के समक्ष कोई हो नहीं सकता। हम आज के इस मौके पर आदरणीय नेताजी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से जीवन भर संघर्ष करके लोगों की मदद करने और उनको न्याय दिलाने का काम किया, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमेशा, हमें समझता हूँ, उनको याद किया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज समाजवादी परिवार ही नहीं अपुत पूरे देश के लिए ये बहुत दुखद और संकट की घड़ी है। जब देश ने एक ऐसे नेता को खोया हो, जिस नेता ने सदैव पूरे अपने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में गरीब, कमजोर, वंचित, किसान, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। देश में तमाम बड़े नेता हमारे यहाँ हुए,
लेकिन ज़मीन की हकीकत को देखना, उसे समझना और परखना और समय आने पर उसका निदान करना और विपक्ष में रहना, सदैव विपक्ष में उसकी लड़ाई लड़ना। नेताजी ने जो एक लकीर खींची है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान कभी आदरणीय नेताजी को नहीं भूलेगा। देश ने एक बहुत बड़े उदारवादी नेता को, मैं समझ सकता हूँ दुनिया का सबसे संवेदनशील नेता को आज खोने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो आबादी है, जिसको हम किसान कहते हैं, नेताजी ने पूरे अपने संसदीय जीवन में, अपने सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए किसानों की चिंता व्यक्त किया और किसानों की लड़ाई लड़ी और सरकार में रहते हुए किसानों के उत्थान के लिए काम किया। तो देश आज दुखी है और हम समाजवादी लोगों ने अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना अभिभावक हम लोगों ने खोया है। नेताजी के बारे में कहा जाता है, जहां उनके लाखों कार्यकर्ता हों और उन कार्यकर्ताओं में इस चीज़ की बहस हो कि नेताजी किसको ज़्यादा मानते हैं, और हर व्यक्ति देश का ये माने कि नेताजी हमको ज़्यादा स्नेह करते हैं, शायद ऐसा अभूतपूर्व नेता देश को अब शायद कभी नहीं मिलेगा।